सबसे पहले तो मैं सिलेबस की बात करूंगी जो आबरू के फादर साहब बोल रहे हैं। हमें क्या होता है कि एक प्रस्पेक्टिव प्लान आता है हमारा हर साल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो सिलेबस का एक स्प्लिट अप दिया जाता है कि आपने जैसे PWT और इसी हिसाब से हम अपना सिलेबस चलाते हैं। जैसे अभी मेरे केमिस्ट्री में चार चैप्टर हैं, चार में से मैंने दो चैप्टर कंप्लीट करवाए। मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था कि पेरेंट्स के साथ मिलके जो है बच्चों के साथ मिलके और स्टाफ एक साथ बैठ जाए और साथ में फीडबैक्स मिलें कि आपका बच्चे के बारे में, उसके एकेडमिक के बारे में, उसके करियर के बारे में और उसमें स्कूल में जो कमियां रह जाती हैं, चाहे वो टीचिंग से है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे कोई और इश्यूज़ हैं, ताकि पेरेंट्स के माध्यम से हमें पता चले और स्कूल को स्कूल में वो चेंजेस लाई जाएँ और एक इंस्टीट्यूट को और बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। तो इसके लिए जो है आज की मीटिंग का आयोजन किया गया था और बहुत सारे पेरेंट्स के साथ से पेरेंट्स की तरफ से सुझाव आए हैं तो मैनेजमेंट के लिए, तो हायर ऑफिसर्स को भी इसके बारे में बताया जाएगा और पूरा एक स्टाफ जो है यूनाइट हो गया स्कूल की बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है और आगे भी ये करता है। सेफ्टी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं सर, वो काफ़ी एक लंबे समय से है। जब आप हमारे पास जो है अभी बाउंड्री वॉल्स का जो है जो स्कूल में नहीं है उसके लिए एक डेढ़ करोड़ के करीब अमाउंट जो है सैंक्शन हो चुका है, उसका प्रोसेसिंग में है, तो वो भी आने वाले टाइम में जो है एक डेढ़ साल में बाउंड्री वॉल भी लग जाएगी, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के काफ़ी इशू जो हमारे कम हो जाएंगे। दूसरा जो है गेट पे हमारे तीन रोटेशंस में तीन परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और रोटेशंस में दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज जो मीटिंग जो हमने रखी थी, ये पिछली मीटिंग में डिसाइड किया था 21 अगस्त के लिए आज मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इस मीटिंग में मैक्सिमम पिछली जो मीटिंग के फैसले थे उनको दोहराया गया है। बहुत सही ऐसे फैसले थे जो हमने उस दिन डिसीजन लिए थे, उनके प्रिंसिपल सर ने बहुत काम किया है और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें आया है और प्रिंसिपल सर ने और स्टाफ ने मिलकर इम्प्रूवमेंट स्कूल में लाई है। और मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि हमने बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो मैक्सिमम पेरेंट्स स्कूल्स में नहीं आ रहे हैं, जबकि स्कूल्स में बच्चों के लिए भी कुछ मामलात हैं, पेरेंट्स के भी कुछ मामलात हैं, तो इन सारे मामलों के लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो हम इस आज की इस मीटिंग की वसादत से जनाब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जनाब डीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि स्कूल के मामलात में हमें परमानेंट प्रिंसिपल साहब की जरूरत है, उसके बाद स्टाफ की, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, तो हम कोशिश करें जिस तरह से गुजारिश करेंगे कि वो स्कूल के चेयरमैन हैं और वो कोशिश करें कि यहाँ परमानेंट स्टाफ हमें दिया जाए जिससे बच्चों की फलाह बहबूद के काम हो सकें। और दूसरा हमने ये देखा है कि जो बच्चों के जो मसाइल्स हैं, छोटे छोटे मसाइल्स हैं, वो बच्चों को हमने उजागर करने की कोशिश की है। और मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो जो नेक्स्ट मीटिंग हमने डिसाइड की है वो 25 सितंबर को डिसाइड की है और 25 सितंबर की मीटिंग में मैक्सिमम पेरेंट्स स्कूल में आएंगे ताकि जितने भी बच्चों के लर्निंग के मतलब या पढ़ाई के मतलब या स्कूल के मामला हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। लिहाज अहमद पेरेंट्स की तरफ से आज हम यहाँ पेरेंट्स टीचर मीट थी, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम आज के दिन यहाँ मिलेंगे। तो उसमें हमने जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी हमने वो कुछ अपने पॉइंट्स वहाँ पर रखे थे, बहुत सारे डिसीजन लिए थे और ज़्यादातर उन्हीं डिसीजंस को आज फिर से हमने रिव्यू किया है और वहाँ कुछ प्रोग्रेस हमें मिली है। तो जो मेन हमारा सबसे मुद्दा है वो यही है कि यहाँ जो है वो एक परमानेंट प्रिंसिपल आए और ताकि स्कूल को जो है वो बहुत सारे जो मसले हैं उनके बहुत सारे हल उसी चेयर के आने से ही हमें उम्मीद है कि हो जाएंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट के इश्यू हैं कल जो टीचर्स हैं JNV की जो अथॉरिटी है उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, यकीन है कि जो हमारे कुछ मामले हैं वो यहाँ इस लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे।